जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम हर शाम 8:30 बजे स्मार्ट लर्निंग चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में हम आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं भारतीय सेना के, जो आपके गत आर्मी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, जो आपका भाग और से भी होगा और से भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हैं, हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले सभी दोस्तों से एक बार मेरा निवेदन है कि आप अपने सभी ग्रुपों में सेशन को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बहुत अच्छा पूछा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उनका आंसर एकदम सही है दोस्तों। जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताओ, ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, दिल्ली में, और साथ ही 1954 बता रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं आज के हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। जो ऑप्शन वाइज डिस्कशन करूंगा वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों बताओ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ दोस्तों। मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप लाइव चैट में आंसर दें, लाइव चैट में आंसर देने की पूरी कोशिश करें। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, उनका आंसर एकदम सही है दोस्तों। जो मतदाता दिवस होता है दोस्तों, वो हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में आए इंडियन आर्मी या थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 जनवरी को जो होता है इंडियन आर्मी थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। चौथे नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है दोस्तों। चौथे नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, नेशनल कैडेट कोर NCC जो है दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुई थी? उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम अजीज मित्रों को ये प्रश्न आता होगा। तो जल्दी से लाइव चैट में सभी दोस्त का सही आंसर बताएंगे। सभी नौजवानों ने इसका लगभग सही आंसर दे दिया। जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उनकी तैयारी एकदम सराहनीय है दोस्तों। 1948 में NCC की स्थापना हुई थी और NCC की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के हम पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। पांचवें नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड निम्न में से संबंधित है दोस्तों, जल्दी से बताओ। ऑस्कर अवार्ड जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उनका आंसर एकदम राइट है दोस्तों। जो फिल्म से ऑस्कर अवार्ड का संबंध है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के हम छठे नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपने तमाम अजीज मित्रों को इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के हम छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठे नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताओ दोस्तों। जो राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, जल्दी बताओ। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उनकी तैयारी सराहनीय है दोस्तों। राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। तो बढ़ते हैं आज के हम सातवें नंबर प्रश्न की ओर। सातवें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताओ, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? मेरे सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लाइव चैट में आंसर देने की पूरी कोशिश करें। साथ ही दोस्तों, जो वीडियो कल दिन में देखेगा या बाद में देखेगा वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों। जो दोस्त लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता दिया, उनकी तैयारी एकदम बहुत अच्छी है मित्रों, सराहनीय है। रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है वो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के आठवें नंबर प्रश्न की ओर। आठवें नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? जल्दी से बताओ, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? साथ ही अब बताओ कि ये किस सन में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों, जल्दी से बताओ। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उनका आंसर एकदम राइट है दोस्तों। साथ ही जो दोस्त लोगों ने 1191 बताया, उनका आंसर एकदम राइट है दोस्तों। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। अगर दूसरा युद्ध पूछे तो वो 1192 में हुआ था, और ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के हम नौवे नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको यहीं पर ही समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो प्रश्न आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है दोस्तों, मेरा अनुरोध हो कि आप उसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो दसवें नंबर का नौवें नंबर का प्रश्न भी हमसे बहुत अच्छा पूछा है। नौवें नंबर का प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है दोस्तों? जो ये दी हुई है निम्नलिखित में से, इसमें से बताओ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी कृति रचेता है दोस्तों, जल्दी से बताओ। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उनकी तैयारी सराहनीय है मित्रों। साथ ही उनका आंसर एकदम राइट है। जो गीतांजलि थी वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, चित्रा भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, जो पोस्ट ऑफिस थी वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखी थी। बढ़ते हैं आज के हम दसवें नंबर प्रश्न की ओर। दसवें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम अजीज मित्रों को ये प्रश्न आएगा। तो जल्दी से बताओ, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? जो सूरज कुंड मेला होता है वो इन ऑप्शनों में से कहाँ
आयोजित होता है। तो जल्दी से बताओ, जो दोस्त लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बता दिया उनका आंसर एकदम राइट है। तो फरीदाबाद है, वहाँ सूरज कुंड मेला का आयोजन होता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों जल्दी से बताओ, जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनसे उनका आंसर एकदम राइट है। दोस्तों साथ ही सभी बच्चे जो लाइव हैं वो अपने लाइव चैट में आंसर नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों आप आंसर दीजिए, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम 12वें नंबर प्रश्न की ओर। 12वें नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। दोस्तों जल्दी से बताओ, जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका आंसर एकदम राइट है। दोस्तों जो 25 सेंटीमीटर होता है वो किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम 13वें नंबर प्रश्न की ओर। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। दोस्तों जल्दी से बताओ, कौन से रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में दिया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से बताओ, जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका आंसर एकदम राइट है। मित्रों जो लाल रंग है उसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो खतरे में के निशान के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम 14वें नंबर प्रश्न की ओर। 14वें नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है। दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है, दोस्तों डेनमार्क को क्या कहा जाता है, निम्न ऑप्शनों में से जल्दी से बताओ। सभी मित्र लोग लाइव चैट में आंसर देने की पूरी कोशिश करें। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पवनों का देश, उनका आंसर एकदम राइट है। दोस्तों जो डेनमार्क है उसे पवनों का देश कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के हम 15वें नंबर प्रश्न की ओर। 15वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। जल्दी से बताओ दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम अजीज मित्रों को ये प्रश्न आता होगा। तो दोस्तों जल्दी से बताओ, जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कैलोरी, वो उनका आंसर एकदम राइट है। दोस्तों और उनकी तैयारी सराहनीय है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम 16वें नंबर प्रश्न की ओर। 16वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से ताप की इकाई है। जल्दी से बताओ दोस्तों, ताप की इकाई क्या होगी। जल्दी बताओ दोस्तों, जो दोस्त लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता दिया उनकी तैयारी अच्छी है। दोस्तों बहुत अच्छी है। दोस्तों बस आप एग्जाम तक ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर टाइप के क्वेश्चनों में ऐसा परफेक्ट बना देंगे कि आप एग्जाम में 40+ क्वेश्चन करके आओगे। दोस्तों अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए तो आप हमें बताइए, हम हफ्ते में एक आध दिन आपकी सुबह मैथ की क्लास भी लगा देंगे। आप हमें कमेंट करके बताओ, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आपको मैथ बताएंगे दोस्तों कि 5 मिनट में आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। दोस्तों आपको एग्जाम का बहुत कम समय मिलता है और 15 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ के। हम ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों से आपको मैथ के सवाल सॉल्व करना सिखा देंगे, जिससे दोस्तों आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे दोस्तों मैथ में भी। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताना अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर हम आते हैं फिर से। जो सेल्सियस होती है दोस्तों वो भी ताप की इकाई होती है, साथ ही दोस्तों केल्विन भी ताप की इकाई होती है और फारेनहाइट भी ताप की इकाई होती है। बढ़ते हैं आज के हम 70वें नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 70वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। दोस्तों जल्दी से बताओ, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। दोस्तों जल्दी से बताओ, किसी वस्तु का विस्थापन क्या हो सकता है। दोस्तों जिसने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता दिया ये सभी उनका आंसर एकदम राइट है। दोस्तों साथ ही उनकी तैयारी बहुत सराहनीय है। दोस्तों कल कुछ बच्चे हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक का कहाँ पर दिया है। दोस्तों तो आज हम आपको कमेंट बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उससे जुड़ जाइए। दोस्तों साथ ही दोस्तों हमें इन 30 क्वेश्चन के बाद बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों आज थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन भी है, अगर आपने 25+ क्वेश्चन कर लिए तो दोस्तों यकीन मारो कि इस बार आपको पक्का वर्दी मिलेगी। दोस्तों पक्का वर्दी मिलेगी, इसी बार मिलेगी। दोस्तों साथ ही दोस्तों आपने जो आपके मित्र लोग हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आपको वर्दी मिले और आपके मित्रों को वर्दी मिले बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आपको भी, आपके घर वालों को भी, आपके घर वालों ने आपसे बचपन से इतनी मेहनत करी है। दोस्तों अगर आपको, आप देश का नाम रोशन करोगे तो आपके घर वालों से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। दोस्तों तो बढ़ते हैं आज के हम 18वें नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों 18वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम अजीज मित्रों को ये प्रश्न आता होगा और साथ ही दोस्तों अपना कॉम्पिटिशन चेक कर लीजिए, लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका आंसर एकदम राइट है। दोस्तों जो ओम का नियम है वो निम्न में से चालक पर संबंधित है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम 19वें नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों 19वें नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। दोस्तों जो तड़ित चालक बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, कौन सी धातु से तड़ित चालक बनाए जाते हैं। दोस्तों तड़ित चालक बनाने में प्रयुक्त धातु, दोस्तों जल्दी से बताओ। उम्मीद करता हूं कि तमाम अजीज मित्रों को ये प्रश्न आता होगा। दोस्तों बहुत अच्छा, आपकी तैयारी सराहनीय है। दोस्तों बहुत अच्छा, बस आप ऐसी आप पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। दोस्तों जो कॉपर बता रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। दोस्तों यकीन मानो कि आपके जीके जीएस में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बस आप एग्जाम तक ऐसी पढ़ाई करते रहिए, पक्का दोस्तों इसी बार आपको वर्दी मिलेगी। निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों जल्दी से बताओ, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका आंसर एकदम राइट है। दोस्तों एशिया को महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आज के अपने 21वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। साथ ही दोस्तों हमारी आपसे हर वीडियो में एक ही गुजारिश रहती है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों प्लीज आप वीडियो को लाइक करें
और अपने तमाम अजीज मित्रों को शेयर करें दोस्तों। आप बाद में शायद लाइक करना भूल जाते हो, जितने लोग लाइव होते हो उतने उतने लाइक नहीं होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम 21वें क्वेश्चन से पहले आपसे कहते हैं कि आप लाइव चैट से जाकर पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें, उसके बाद फिर वीडियो में आओ, हम आपको तब तक 21वें नंबर का क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाओ, मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त लोग जाएंगे और ये वीडियो को एक लाइक करके आएंगे। बहुत अच्छा दोस्तों, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम 21वें नंबर प्रश्न की और 21वें नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है दोस्तों? उम्मीद है कि मेरे सभी तमाम अजीज मित्रों को ये प्रश्न आता होगा। तो जो दोस्त लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता दिया, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों, सराहनीय है दोस्तों। जो पामीर का पठार होता है उसे विश्व की छत कहा जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा, आप ऐसी तैयारी करते रहो, इस बार आपको वर्दी पक्का मिलेगी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? ये हमसे 22वें नंबर का प्रश्न पूछा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, जल्दी से बताओ। ये प्रश्न भी मेरे सभी तमाम मित्रों को आता होगा। तो जिसने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता दिया, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। थार का जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। तो हम 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों? उम्मीद है कि सभी मेरे नौजवानों को ये प्रश्न आता होगा। तो जो दोस्त लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता दिया, उनका आंसर एकदम राइट है दोस्तों। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की ओर, जो सूर्य के चारों ओर होते हैं घूमने वाले खगोलीय पिंड, उन्हें कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के हम 24वें नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 24वें नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है दोस्तों, साथ ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन में इससे और कराऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से बताओ कि ग्रीनविच किस देश में है दोस्तों, जल्दी से बताओ। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यूके, उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यूके की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। आप यूके का मतलब उत्तराखंड भी होता है दोस्तों, पर यहाँ इसका मतलब उत्तराखंड नहीं है दोस्तों। जो यूनाइटेड किंगडम होता है उसे भी यूके कहा जाता है दोस्तों, और जो ग्रीनविच है वो यूनाइटेड किंगडम में है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के हम 25वें नंबर प्रश्न की ओर। 25वें नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी नौजवानों को ये प्रश्न आता है। बहुत अच्छा नौजवानों, आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दे दिया दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं एंटीजन, उनका आंसर एकदम राइट है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम 26वें नंबर प्रश्न की ओर। 26वें नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है दोस्तों, भारत के उत्तर में पड़ने वाला देश दोस्तों, जो भारत के उत्तर में पड़ता है वो निम्नलिखित में से कौन सा देश पड़ता है? सभी नौजवानों ने इसका आंसर एकदम राइट दे दिया दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। जो दोस्त लोगों ने इसका आंसर नेपाल बता दिया ऑप्शन ए, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। जैसे आपने दोस्तों फिजिकल में पूरा अपना 100% दिया है दोस्तों अपनी तरफ से, वैसे आप बस 1 नवंबर तक अपना 100% पढ़ाई में दे दो दोस्तों, आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी, इस बार आपको पक्का वर्दी मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपको हम कुछ PDF भी दे देंगे फ्री में, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जितना भी हमारे पास कंटेंट है हम आपको देंगे दोस्तों, आपको इस बार वर्दी पक्का मिलेगी। बस आप हर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास में आ जाओ दोस्तों, हम एग्जाम तक आपको ऐसा परफेक्ट बना देंगे कि आप एग्जाम में आपका क्वेश्चन GK GS से गलत नहीं होगा। और साथ ही दोस्तों जो मैथ है, मैथ के लिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको किस समय क्लास चाहिए, हम हर रोज़ तो नहीं पर हफ्ते में 1-2 दिन आपको मैथ के ऐसी शॉर्ट ट्रिक से हम क्लास कराएंगे दोस्तों कि आप याद रखोगे दोस्तों, आपका क्वेश्चन मैथ से भी गलत नहीं होने देंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आज के हम 27वें नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 27वें नंबर का प्रश्न भी मेरे सभी नौजवानों को आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों बताओ भारत का संविधान कब लागू हुआ, जल्दी से बताओ। जो दोस्त लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता दिया 26 जनवरी 1950, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर आपका क्वेश्चन आए भारत के संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माता है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के 28वें नंबर के प्रश्न की ओर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, जल्दी से बताओ। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अपकेंद्रीय बल, उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अपकेंद्रीय बल है उस पर जो होता है वॉशिंग मशीन कार्य करती है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के हम 29वें नंबर प्रश्न की ओर। और 29वें नंबर के प्रश्न के बाद सभी मेरे नौजवान जाते वक्त एक वीडियो को लाइक करेंगे और अपने तमाम अजीज मित्रों और अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और एक शेयर तो बनता है दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए एक मेहनत करो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। हम बढ़ते हैं 29वें नंबर के प्रश्न की ओर। 29वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है दोस्तों, जल्दी से बताओ। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उनका आंसर एकदम राइट है दोस्तों। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व से नियम, जड़त्व पर निर्भर है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज का। इसके बाद जाते वक्त मेरे सभी नौजवान इस वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको इसी बार वर्दी मिलेगी, ये हमारा आपसे वादा है दोस्तों। क्योंकि आप इतनी मेहनत करी आपने फिजिकल में और रिटर्न के लिए आप इतनी मेहनत करो, तो दोस्तों आपको पक्का वर्दी मिलेगी, हम आपके साथ है दोस्तों पूरा, हम आपको 1 नवंबर तक परफेक्ट तैयारी कराएंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम आज के
अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न हमसे पूछा है, जो ध्वनि का वेग होता है वो अधिकतम किसमें होता है? दोस्तों जल्दी से बताओ, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? मेरे तमाम नौजवानों को ये प्रश्न आता होगा, तो दोस्तों जल्दी बताओ। जो दोस्त लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बता दिया, लोहा जो होता है, उनका उनका आंसर एकदम राइट है दोस्तों। जो लोहे में होता है वो अधिकतम वेग होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप हमें बताओ कि आज के हमारी इस टेस्ट सीरीज में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही थे दोस्तों? अगर आपके 25 प्लस क्वेश्चन सही हैं दोस्तों, तो उनका आंसर एकदम राइट है दोस्तों। कमेंट करके बताओ। साथ ही दोस्तों हमें जय हिंद लिखो, हमारा उत्साह और बढ़ेगा। तो अब आपका एक काम है, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ इसे शेयर करें दोस्तों। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हर शाम जब हम आपको लाइव क्लास पढ़ाएं, उससे पहले हम आप आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो दोस्तों जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, इसे आप ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी लाइव क्लास लेते हैं आपको आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों सभी लोगों को मेरा ये निवेदन है कि कल आप 8:30 बजे पक्का आएंगे, हमें उम्मीद है। हम आपको ऐसा कंटेंट दिलाएंगे दोस्तों 1 नवंबर तक कि आप इस बार आपको वर्दी पक्का मिलेगी। तो दोस्तों हम आपसे कल मिलते हैं, फिर मिलते हैं 8:30 बजे। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो का सफर यहीं तक था दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।